हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज अपने पास रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G फ़ोन, और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग रियलमी नार्जो प्रो 5G फ़ोन में आप लोग कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग को किस तरीके से कर सकते हो। जो कैमरा फोटो वाटरमार्क है उसमें जो फ़ोन मॉडल का नाम आता है, अगर आप चाहो तो उस जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, चाहो तो फ़ोन का भी नाम डाल सकते हो, एंड डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हो, एंड लोकेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो कैमरा फोटो वाटरमार्क की सारी सेटिंग्स के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग करने के लिए सिंपली से करें, आपको सिंपली अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड ऊपर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहीं पर ऊपर साइड में कॉर्नर में एक थ्री डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली से आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग के आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग है वो सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक बटन वर्क का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको बटन वर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जनरल एंड कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चाहो तो आप जनरल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको कैमरा फोटो वाटरमार्क की जगह आप लोगों को अपना नाम डालना है ना। तो सिंपली से आपको कस्टमाइज टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको कस्टमाइज टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहले मैं यहाँ पे जनरल वाटरमार्क की सेटिंग को ऑन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना जो नाम डालना हो, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर टैग डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर टैग डाला, सिंपली आपको जो भी अपना नाम डालना है डाल के सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो नाम लिख के आएगा। चाहो तो आप अपने फ़ोन मॉडल का नाम भी लिख सकते हो इस सेटिंग को ऑन करके। अगर हटा दोगे तो फ़ोन मॉडल का नाम है वो हट जाएगा। चाहो तो आप लोकेशन, चाहो आप चाह रहे हो कि आप जिस जगह पे फ़ोटो खींच रहे हो उस जगह की लोकेशन डल के आए, तो सिंपली लोकेशन वाली सेटिंग को ऑन कर सकते हो। तो मैं अभी ग्वालियर में बैठा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखते हो मैंने यहाँ पे जैसे सेटिंग को ऑन किया तो यहाँ पे ग्वालियर लिख के आ गया। अगर आप आगरा हो तो आपके में आगरा लिख के आएगा। अगर आप डेट एंड टाइम और ऐड करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि जिस टाइम पे आप फोटो खींच रहे हो उस टाइम लिख के आए और उस डेट भी लिख के आए, तो सिंपली से आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। तो आप इन सेटिंग को करके आप कैमरा फोटो वाटरमार्क सेटिंग को कर सकते हो। आप चाहो तो सारी सेटिंग को बंद करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अब मेरे फोटो पे कोई भी वाटरमार्क ना आए, तो सिंपली आपको जनरल वाटरमार्क की सेटिंग को ऑन ऑफ कर देना है। उसके बाद आपके फोटो में कोई भी वाटरमार्क नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से सारी सेटिंग को कैमरा फोटो वाटरमार्क में कर सकते हो। आई होप आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।